नहीं यहाँ की लस्सी रबड़ी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। हाँ, काफी साल हो गए मेरे को, 12 साल हो गए। कितने नंबर देंगे इन्हें? 100 में से 100। 100 में से 100। चली लस्सी है। अच्छा, रबड़ी वाली लस्सी जी। ये तैयार चल रही है, यहाँ पर जो तैयारी हो रही है, देखने में जितनी खूबसूरत आपको ये लग रही है, उससे कहीं ज्यादा इसका पीने में आपको स्वाद मिलेगा। क्या नाम बेटा? आशी। आशी, क्या आज यहाँ पर क्या प्लान है, क्या खाएंगे? लस्सी पीनी है या फलूदा लेना है, क्या लेना है? लस्सी। लस्सी कैसी लगती है? बहुत बढ़िया, फेमस है यहाँ के, तो बुलंदशहर की फेमस है। हाँ दोस्तों, गर्मी का समय चल रहा है और इस गर्मी के समय में इस वक्त इंसान को ठंडा होने के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर चाहिए होता है। अब अगर कोल्ड ड्रिंक की बात करते हैं तो कोल्ड ड्रिंक में ज़्यादातर ब्रजवासी लस्सी वाले की आज हम शॉप पर पहुँचे हैं। हम आपको दिखा दें थोड़ा अंदर का नज़ारा कि किस तरह का यहाँ का माहौल है और कैसी कैसी यहाँ पर ठंडाई रखी हुई है। दिखाइए थोड़ा सा अंदर। हाँ, मैं इनके नाम तो ज़्यादातर नहीं बता पाऊँगा, ये दुकानदार से हम पूछेंगे और जो दुकान मालिक हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। थोड़ा अंदर चलने की कोशिश करते हैं। बुलंदशहर में ये सबसे जानी मानी दुकान है और ये अंबर सिनेमा के जस्ट बराबर में है, जो अगर हम कहते तो अंसारी रोड से और लाल तालाब वाले रास्ते पर पड़ती है। बड़ी मशहूर दुकान है, हालाँकि आप बुलंदशहर में घुसने के बाद में किसी से पूछोगे कोई भी आपको बता देगा। हाँ जी सर, आपने क्या क्या लिया यहाँ, कैसा लगा? लस्सी पी थी। लस्सी कैसी लगी ईमानदारी से? लाजवाब है। लाजवाब है, बढ़िया। पैसे वसूल है कि नहीं? बिल्कुल वसूल। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कैसी लगी सर लस्सी आपको? बहुत बढ़िया। लस्सी पी है कुछ हो किया? लस्सी पी थी। लस्सी पी है। मैम भी आपके साथ में है, कर ले मैम से बात। मैम आ जाइए। नहीं अच्छा, चल कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। दोस्त क्या लेने आए हैं? सर मैं भी लस्सी लेने। लस्सी लेने? यार लस्सी में ऐसा क्या मिला रहे पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा कि लस्सी एक बार अगर इंसान यहाँ पी ले तो दोबारा लस्सी पीने के लिए यहीं आएगा, कहीं जाएगा नहीं। क्या नाम है सर? संजय गोयल है। संजय गोयल जी हमारे बहुत ही बहुत ही अच्छे इंसान भी हैं और एक क्या कहूँ कि बस पत्रकार साथी भी हैं, नेता भी हैं। ये तो आपका बड़ा लोगों की जो सेवा में लगे रहते हैं। सर आप कैसे आए यहाँ पे? मैं भी लस्सी पीने आया था। लस्सी पीने आए? लस्सी पीने। तो लस्सी यहीं की पीने की, और भी बहुत सारी शॉप हैं। एक तो क्वालिटी तो अच्छी है ही है। हाँ। और मैं समझता हूँ इतने छोटे से समय में, हाँ, पूरे शहर में नाम हो जाना तो कहीं ना कहीं क्वालिटी अच्छी है तभी नाम हुआ है। हाँ। क्योंकि लस्सी वाले और भी बहुत सारे हैं। हाँ। पर यदि कहीं भीड़ होती है और कुछ समय में इतनी जल्दी तरक्की करना, हाँ, तो कहीं ना कहीं क्वालिटी अच्छी है तभी जो है लोग आते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अभी मैं आपको बता दूँ कि 12:30 का लगभग समय है और उसके बावजूद, क्योंकि 2 बजे की बात की है या शाम की हम बात करते हैं तो यहाँ पर पैर रखने के लिए आपको जगह नहीं मिलेगी। आ जाइए थोड़ा अंदर आ जाते हैं, अंदर का माहौल हम आपको दिखा देते हैं कि अंदर का माहौल किस तरीके का है। बड़ी सफाई सुथराई के साथ में ये देखिए बैठने की व्यवस्था बहुत अच्छी है और पंखे जो है बड़े लाजवाब लगा रखे हैं, बड़ी अच्छी ठंडी हवा दे रहे हैं पंखे भी। सबसे बड़ी बात एक सेफ्टी को लेकर हम करते हैं तो देखिए इन्होंने जो भैया ने लगा रखा है अपने सर पर, ये इस तरीके से सभी जितने वर्कर हैं वो सभी पूरे इंतज़ाम के साथ में यहाँ पर है ना, पैकिंग वगैरह करना। और ये दिखा दें, थोड़ा अंदर आ जाइए, अंदर आ जाइए, अंदर आ जाइए थोड़ा यार। और सर कैसे हैं? ठीक हैं आप? ये देखिए ये क्या बना रहे हैं? ये रबड़ी है भैया, ये रबड़ी वाली लस्सी है। अच्छा, रबड़ी वाली लस्सी जी। थोड़ा भैया दिखाएंगे हमें, रबड़ी को प्रिपेयर किया जा रहा है। ये तैयार चल रही है यहाँ पर, जो तैयारी हो रही है, और ये दिखाओ थोड़ा पास आके, पास आके दिखाइए। देखने में जितनी खूबसूरत आपको ये लग रही है उससे कहीं ज़्यादा इसका पीने में आपको स्वाद मिलेगा। बादाम भी है इसके ऊपर, रबड़ी भी है, और क्या क्या है जी? बादाम, रबड़ी, पहले लस्सी होती है इसमें। हाँ। लस्सी के ऊपर रबड़ी डाली जाती है, उसके ऊपर ड्राई फ्रूट के बाद रुआबज़ा। अच्छा, और क्या क्या मिलता है रबड़ी के, सॉरी लस्सी के अलावा और क्या आपके यहाँ जो चीज़? लस्सी के अलावा हमारे पास मेन कोर्स में हमारा रबड़ी फलूदा आ जाता है। हाँ। कुल्फी फलूदा है। खाते भी चले सर थोड़ा सा। हाँ। हाँ, दिखाएं थोड़ा। ये रबड़ी फलूदा होता है हमारे यहाँ, रबड़ी फलूदा ही प्रिपेयर करके। हाँ, रबड़ी फलूदा का एक गिलास निकाल के दिखाओ बेटा। ये रबड़ी फलूदा का गिलास है। अच्छा, ये अभी हाफ प्रिपेयर है, इसके बाद इसको फुल प्रिपेयर किया जाएगा। इसमें बर्फ और रबड़ी और डाली जाएगी, और इसके बाद रुआबज़ा और ड्राई फ्रूट डाला जाएगा। रुआबज़ा और ड्राई फ्रूट इसमें मिलाया जाए। और ये चीज़ क्या है? ये होती है हमारी फ्रूट क्रीम, और इसको बोलते हैं रबड़ी स्ट्रॉबेरी। अच्छा, और ये हमारा होता है मिल्क बादाम। मिल्क बादाम जी। अच्छा, इनकी कॉस्ट भी बताते चलें थोड़ा, ये कितने की है? ये हमारा 40 रुपीज़ का है। अच्छा। हाँ,
कितना होगा इसमें? इसमें ये होता है 225 ml। और क्वांटिटी क्या क्या है? क्वांटिटी इसमें यही होती है। नहीं, इसके अंदर क्या क्या है? इसमें काजू, बादाम, पिस्ता, इलायची, केसर। वेरी गुड। और ये जो है कितने की क्या है? ये 35 रुपये का एक बाउल आता है। अच्छा। और 360 रुपये पर केजी। वेरी गुड। और ये फ्रूट क्रीम बोलते हैं इसको, फ्रूट विथ क्रीम। ये 50 रुपये का एक बाउल आता है और 500 रुपये पर केजी इसका रेट होता है। वेरी गुड। और क्या क्या है थोड़ा सा अंदर दिखा दें? नमकीन में भी है कुछ? मधुबन बड़ा होता है। अच्छा, वो दिखा दीजिए एक बार। मधुबन बड़ा बड़ा मशहूर है। मधुबन बड़ा जो है अभी इस समय रेडी नहीं है। अच्छा, थोड़ा सा उसमें समय लगेगा। उसकी अभी असल में देखा जाए तो 10 से 11 बजे तो शॉप खुल के तैयारी हो पाती है, तो उसके हिसाब से जो है कितने बजे ज़्यादा रस रहता है आप? हमारे यहाँ पर आपको मिलेगा 2 बजे के बाद। 2 बजे के जब सब ऑफिस वगैरह शायद जल्दी आ गए। आज संडे है दरअसल। हाँ। में आज मेरे पास थोड़ा सा रश कम है, मगर उसके बावजूद भी यहाँ आप देख सकते हैं कि थोड़ा मैम को भी दिखाएं कि यहाँ जो कस्टमर्स हैं वो सब यहाँ पर अपने लगे हुए हैं। और कैसे हैं आप? ठीक हैं? और सब कैसे हैं? बड़ी मूँछें आपकी बड़ी मस्त हैं, है ना? लोग मेरी मूँछों की बड़ी तारीफ करते हैं कि भाई आपकी मूँछें, मैंने हालांकि अभी फिलहाल कम करी हुई है भैया से, कम अच्छी हैं इस टाइम यार, मुझे जलन हो रही है यार। क्या नाम है आपका? आशु पंडित। आशु पंडित, पंडित जी आप यहाँ क्या ले रहे हैं? मैं तो यहाँ लस्सी पीने आया। लस्सी? लस्सी कैसी लगती है? बहुत बढ़िया, फेमस है यहाँ के, तो बुलंदशहर की फेमस है। अच्छा अच्छा, लोग बार बार से आ गए। लस्सी पीने आया अभी जी भाई साहब? लस्सी पीने के लिए। लस्सी या कुछ और भी? नहीं, लस्सी भी हो, ये बोतल की जो है अभी बोतल की है। तो कस्टमर सुबह से लेकर शाम तक, तो पंडित जी लस्सी जो है ज़्यादा अच्छी है यहाँ की? तो हर चीज़ बहुत अच्छी है, लेकिन लस्सी ज़्यादा फेमस है यहाँ पे। लस्सी ज़्यादा फेमस है। रबड़ी और वाकई नाम भी जो है वो ब्रजवासी लस्सी वाला करके जो है वो मशहूर है। हालांकि अगर सर्दी की बात करते हैं तो गज्जक, रेबड़ी वगैरह सब लिखा हुआ है, और फिलहाल यहाँ रबड़ी वाली लस्सी, रबड़ी वाला फलूदा और भी बहुत सारे यहाँ पर आइटम जो है आपको खाने के लिए मिलेंगे। यार ऐसा क्या मिला रहे हो इसमें भैया आप जो है, जो लोग आपके पास आ रहे हैं? भैया हम इसमें मिलाते हैं प्यार, और हमारे ठाकुर जी विराजमान है यहाँ पर, पहले इनका भोग लगता है, उनका आशीर्वाद, और बाकी हमारे बुलंदशहर वासियों का हमें सहयोग रूपी प्रेम प्रेम मिल रहा है। वेरी गुड। तो भैया प्यार मिला रहे हैं, मिलावट में प्यार मिला रहे हैं, इसलिए लोग यहाँ पर ज़्यादा आते हैं। एक बार फिर से कैमरा घुमा दीजिए, सारी शॉप को जो है दिखा दीजिए। तो दोस्तों अगर ठंडाई पीने का मन करता है तो एक बार यहाँ ब्रजवासी लस्सी वाला के यहाँ आकर ठंडाई पीजिए, बहुत अच्छी अच्छी आपको ठंडाई यहाँ पर पीने के लिए मिलेंगी। आईको और डॉक्टर साहिबा हमारे साथ में मौजूद हैं, और उनसे पहले पूछेंगे कि वाकई एक जिस तरह से आप यहाँ लस्सी पीने के लिए आए हैं, एज ए डॉक्टर बताएं कैसी है लस्सी यहाँ? नहीं, यहाँ की लस्सी रबड़ी बहुत अच्छी है। बहुत अच्छी है? हाँ, काफ़ी साल हो गए मेरे को, 12 साल हो गए। कितने नंबर देंगे इन्हें? 100 में से 100। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच मैम। और भी थोड़ा दिखा दीजिए, थोड़ा सा जो अपने परिवार के साथ में लोग यहाँ पर पहुँचते हैं और लस्सी का लुत्फ उठाते हैं। बच्चे भी हैं, थोड़ा बच्चों से बात करेंगे आज। हाँ बाबू, क्या हाल है? क्या नाम बेटा? कितनी स्वीट सी बिटिया है यार। क्या नाम बेटा? आशी। आशी, क्या आज यहाँ पर क्या प्लान है, क्या खाएंगे? क्या पीने के लिए आए हैं? लस्सी पीनी है या फलूदा लेना है, क्या लेना है? लस्सी। लस्सी लो भैया, बच्चे ने भी लस्सी के लिए कहा है, बिटिया बोल रही है कि हम लोग लस्सी लेंगे। चलिए ठीक है, और थोड़ा सा दिखा दीजिए, ठीक थोड़ा बाहर चलें आप, बाहर से दिखाएं। इस तरह से पूरा बैठने का इंतज़ाम और अपने परिवार को लेकर सभी लोग यहाँ पर पहुँचते हैं, और आप भी एक बार यहाँ पहुँच कर परिवार सहित अपने परिवार को, अपने बच्चों को यहाँ लाएं और ठंडाई पिलाएं। नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रुति अग्रवाल, कैंसर रोग विशेषज्ञ हूँ। मैं आप सभी को ये सूचित करना चाहती हूँ कि सुधीर नर्सिंग होम एंड हार्ट सेंटर काला आम बुलंदशहर में कैंसर की बीमारी का सारा इलाज उपलब्ध है।